हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में हो गए और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट के लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आज रात आपके जो भी पर्सन है आपके माइंड में इस वक्त है, जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपके लिए आज रात क्या कुछ सोचेंगे, ठीक है। देखते क्या कुछ निकल के आता है। एकदम हैप्पी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखें। थीटा पे ध्यान ना दे, जनरल स्पेसिफिक नहीं होता है, कलेक्टिव की एनर्जीज होती है। तो हर एक बात आपके लिए नहीं होती, जो रिजल्ट होता है उसे रखें, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। तो देखते क्या कुछ निकल के आता है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए आज रात की, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स की 3 कार्ड, ओके। तो आपके इस वक्त की फीलिंग्स हैं, यस, आप उनसे बात करना चाहते हो, उनको मतलब खुद होके एक्शन लेना चाहते हो दिल से, ठीक है। देख लेते, और कन्फ्यूज्ड हो, एक्शन लूँ नहीं लूँ, बात करूँ नहीं करूँ, और जो भी थर्ड पार्टी की वजह से आप परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं इस वक्त, ठीक है। इस रिलेशनशिप में जो भी थर्ड पार्टी है आपको पता है कौन है, आपको एक्शन लेने का बहुत दिल करता है लेकिन थर्ड पार्टी से आपको डर लगता है कि पता नहीं, अगर इनके मम्मी पापा भी हो फिर भी आपको डर लगता है, अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है फिर भी आपको डर लगता है, आप कन्फ्यूज़ हो एक्शन लूँ कि नहीं लूँ, इस तरह से आपकी फीलिंग्स है इस वक्त की। तो देख लेते हैं, यहाँ पे एरीज लियो सैजिटेरियस और टॉरस और कैप्रिकॉर्न साइन है, ठीक है, आपके आपके पार्टनर की हो सकती है। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर क्या कुछ सोचने वाले हैं आज रात आपको लेके। यस, इनका भी बहुत दिल करेगा, जो कि आपकी एनर्जी से ना उनसे बात करना है, एक्शन लेना है, वो एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा फील होने वाली है, ठीक है। इनको भी बहुत दिल करेगा आपके आपसे बात करने का, एक्शन लेने का, टाइप करेंगे मैसेज लेकिन सेंड करने वाले नहीं है, नंबर डायल करेंगे लेकिन कॉल करने वाले नहीं है, ठीक है। और देख लेते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करने वाले, आपकी फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं, ठीक है। और जो कि आपका एक खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत लुक, कपड़े पहने आपने जितने, मतलब आप जितने स्टाइलिश बने हो ना, वो फोटोज़ में इनको दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपकी तरफ महसूस करेंगे, ठीक है। ये बहुत मतलब ना आपके और ना जैसे कि आपके लुक को देख के ना पागल होने वाले आज रात को बहुत। देखो, इनको बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन होने वाला है आपकी इस लुक को देख के, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा बात करने का दिल करेगा लेकिन एक्शन लेने वाले नहीं हैं, चेंज करेंगे बात का मतलब मैसेज जैसे कि सेंड नहीं करेंगे, लेकिन आपका लुक इनको इतना पागल करने वाला है ना, ये ना आपको देख के बहुत कुछ इमेजिन करके कुछ कर भी सकते हैं फालतू चीज़ें, ठीक है, मतलब कि सेक्स एंड ऑल ऐसा कुछ। इनको बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन होगा, बहुत ज़्यादा पागल होने वाले आज रात को, जैसे कि रात को 12 से 1 बजे या 12 से 3 बजे के टाइम में ये बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे वर्क करने वाले हैं आपको लेके। इनको फिजिकली अट्रैक्शन मतलब कि ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने आप के ऊपर, ठीक है। इनके नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेंगे कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं इतना क्यों पागल हुए जा रहा हूँ, मैंने तो खुद इसको छोड़ा है, खुद मैंने इसको रिजेक्ट किया है और अब मैं ही इसके लिए पागल हुए जा रहा हूँ, ये तो अपनी लाइफ में मस्त है इनका, इस तरह से, ठीक है। आपको लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, नेगेटिव मतलब कि सेक्सुअली पागल हो रहे हैं, इसीलिए नेगेटिव थॉट्स, जैसे कि आप जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो, आप जो इतने खूबसूरत लग रहे हो ना, तो आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है और शायद आप जो है किसी और के साथ फिजिकल हो रहे हो, ऐसे थॉट्स इनके माइंड में बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है। आपके पिक को देखे उल्टे सीधे काम रात को बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, यस, इनका बहुत दिल करेगा आपसे बात करने का, एक्शन लेने का। और देख लेते हैं कम्युनिकेट, आपको आपको लेके ना किसी से बात करते हुए दिखाई दे रहे, हो सकता है कि इन्होंने आज दिन भर में किसी से आपको लेके कुछ डिस्कस किया है और जो कि इन लोगों ने इनको कुछ नेगेटिव आपके बारे में बताया है, हो सकता है कि शायद इन्हीं लोगों ने इनको ये बताया है कि आपका किसी और के साथ अफेयर स्टार्ट हो चुका है या तो आपकी शादी होने वाली है, कुछ भी हो सकता है, इन्हीं लोगों ने कुछ बताया है जिसकी वजह से इनके नेगेटिव थॉट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, इन्होंने आपको छोड़ा, इन्होंने आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, इन्होंने आपको इग्नोर किया, इन सब बातों का इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट महसूस होने वाला है। और जो कि ये दिल से आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, इनको कोई और ऑफ़र भी कर रहा है, ठीक है, मतलब कि कोई और खुद होकर इनको प्रपोज कर रहा है लेकिन ये उनके और नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला ये आप ही के और देखे जा रहे हैं, आप ही का लुक देख के इनका माइंड ख़राब हो रहा है, और पता नहीं मेरा क्या दिमाग ख़राब हो गया था कि मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया, इस तरह से फील करेंगे आज रात को बहुत ज़्यादा। और देख लेते हैं, इस रिलेशनशिप के ऊपर दिल से वर्क करना चाहते हैं, ठीक है,
कंफ्यूज्ड है ये आपके तरफ जो आपके पास जो बहुत सारे ऑप्शंस है जो इनको फील होने लगा है, इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले हैं। दिल से इस रिश्ते के ऊपर वर्क करने के बारे में सोचेंगे, आपके पास आने के बारे में सोचेंगे, जैसे कि फील भी होगा बात करना है लेकिन एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि ये कन्फ्यूजन इनका हट नहीं रहा है। ठीक है, एक बार ये कन्फ्यूजन हट जाए कि इनके लिए रास्ता क्लियर है तब जाके आपके लिए एक्शन लेंगे। ठीक है, देखते हैं अगर ये बात करेंगे तो, अगर ये आज रात आपसे बात करेंगे, अगर ये बहुत जल्दी जैसे कि रात को 2-3 बजे जब वो कुछ सोच रहे हो आपको लेके और कुछ करने की कोशिश कर रहे हो ऐसे ऐसे कि कुछ फिजिकल एंड ऑल सेक्स एंड ऑल, उस टाइम पे अगर ये आपसे बात करना चाहेंगे तो यहाँ से आ रही है एक्चुअली, तो वो आपसे क्या बात करेंगे, वो आपको बताएंगे मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, जो मैंने तेरे साथ माइंड गेम खेला, तुझे धोखा दिया, तुझे चीट किया, और जो कि अब तूने जो है कि इस तरह से मुझे दिखा दिया है कि मैंने जो गलती करी है शायद वो मतलब माफ़ करने के काबिल भी नहीं है, जो मैं बहुत थक चुका हूँ मेरी इस ज़िंदगी से और तुझे रिजेक्ट करके मैं बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ और तेरे पास आना चाहता हूँ, बस जो मैंने तेरे साथ किया है वो तू मेरे साथ प्लीज़ मत कर, तू मुझे रिजेक्ट मत कर, तू मेरे साथ जो है रिश्ते में आगे आ, तू मेरे साथ रिश्ते की बिगिनिंग कर। वाओ, वेरी नाइस, द स्टार का कार्ड है, ये आपसे यही कहेंगे कि प्लीज़ मेरे साथ रिश्ते की बिगिनिंग कर ले अगर ये उस टाइम पे आपसे बात करेंगे तो। ठीक है, तो यस यही है रीडिंग आपकी। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है हम यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ले लेते हैं। ठीक है, पार्टनर की तरफ से तो लो लिए, दैट यूनिवर्स हमें बताए, ट्रू मैसेज दे, मेरे व्यूअर्स को इस वक्त क्या जानना ज़रूरी है इस रिलेशनशिप को लेके, ट्रू मैसेज दे, मेरे व्यूअर्स को इस वक्त इस रिलेशनशिप को लेके क्या जानना ज़रूरी है। हाँ, वाह, आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके इस रिलेशनशिप को भगवान ने गाइड किया है, आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आपके आपका पिछले जन्म का नाता है एक दूसरे से जो कि कभी भी चेंज होने वाला नहीं है, आपके इस रिश्ते को कभी कोई नहीं तोड़ सकता, आपका जो रिश्ता बहुत जल्दी रीयूनियन होने वाला है, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन आपका एकदम स्टेबल रिलेशनशिप में कन्वर्ट होने वाला है और आप जो है एंड तक मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहने वाले हो। डिवाइन ने आपको ये बताया है, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करने वाले हैं और डिवाइन ही आपके इस रिलेशनशिप को फिर से रीयूनियन कराने वाले हैं। ठीक है, यस, डेफिनेटली आपका फ्यूचर में रीयूनियन भी होने वाला है, आपकी शादी भी होने वाली है, ऐसे डिवाइन आपको बता रहे हैं इस वक्त, ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। ठीक है, और बॉटम में है यहाँ पे, अगर आप बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को इग्नोर करने के बारे में सोच रहे हो तो यूनिवर्स आपको बता रहे कि आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो यस, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।